तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बात कह दी। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनके परिवार पर सवाल उठा दिए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवारवाद पर बोलते हैं। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर भी बड़े सवाल उठा दिए, जिसके बाद से ही बीजेपी और आरजेडी के बीच एक जंग सी छिड़ गई। आइए सुनिए लालू प्रसाद यादव ने मोदी के बारे में क्या कुछ कहा। ये मोदी क्या है? मोदी को, मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बता? ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? आपने सुना किस तरीके से लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, लालू यादव के इस बयान के बाद बीजेपी के सभी बड़े नेता अपना प्यार मोदी के लिए जताते हुए नजर आ रहे हैं। सभी ने अपने ट्विटर यानी कि एक्स के बायो को अब चेंज करके लिख दिया है, मैं हूँ मोदी का परिवार। आपको बता दें, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर जवाब देते हुए कहा कि आज आप अपने परिवार के लिए करप्शन करने वाले लोग मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। यही नहीं, लालू यादव के आपत्तिजनक बयान पर इशारा करते हुए नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा और एक नारा भी गढ़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश ही कह रहा है, मैं हूँ मोदी का परिवार। पीएम मोदी ने कहा कि देश का हर गरीब मेरा परिवार है, देश में जिसका कोई नहीं उसका मोदी है।